हमने विकारी में काम किया, विकारी का पहला पार्ट संज्ञा पड़ा, दूसरा पार्ट आ जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है आपके लिए यहाँ भी। सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब सभी, नाम का मतलब संज्ञा, यानी सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन भी शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी आपने रट रखा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं कोई कमेंट करके बताओ मुझे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। एक ट्रिक ले लेते हैं छोटी सी, कुछ नहीं लगता है, फिर सिस्टम से चल पड़ेंगे। पुरुष निश्चित, पुरुष निश्चित अनिश्चित, पुरुष निश्चित अनिश्चित संबंध में अपने आप से बातें करता है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और अपने आप को क्या बना लेंगे हम? निजवाचक। पुरुष निश्चित अनिश्चित बातें अपने आप से, संबंध में बातें अपने आप से करता है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। अब बातों से ना, अब बातों वर्ड को काट करके क्या बना लें यहाँ पर? प्रश्न बना लो आप। अपने आप से प्रश्न करता है तो आपको आसानी से निकल आएगा प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। कितने भेद होते हैं? 6। अब एक एक पे काम करते हैं, उदाहरण आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नंबर एक पुरुषवाचक के। पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि वो सर्वनाम जो लिंग के बदले, लिंग यानी पुरुष, पुरुष से मतलब लगाना, लिंग स्त्रीलिंग और पुलिंग के बदले इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बटे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि सीमा आपको पढ़ा रही है, मैं क्या कह रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ आपके साथ। वक्ता कौन है? उत्तम पुरुष। कौन है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, आप मेरी सुन रहे हो, आप क्या हो? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे लाइव नहीं आए, तुम आ गए, वे नहीं आए, किसी और की बात हो रही है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 प्रकार के होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष में नाम ने लेकर के कौन से सर्वनाम पद आते हैं? जैसे कि मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बोल रहा है, वक्ता। और जो बोलने वाले की सुन रहा है वो कौन है? श्रोता। अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में बातें हम लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में बातें की जा रही हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो कौन है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप आगे चलिए, देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे कि मैंने यूज किया अपने लिए मैं, या मैं क्या कह सकती हूँ? हम, या मैं कह सकती हूँ हमारी पेश अकेडमी, मेरा, मुझे, ठीक है, मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे, हम लोग, हम लोग आपको यूं ही सुविधाएं देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूं तो कौन सा वर्ड यूज कर रही हूं? आप, या प्यार में तुम भी बोल सकती हूं, तू भी बोल लो मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है, तुम लोग, आदि आदि लिख दिया तो और भी हैं, खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये शब्द इस्तेमाल होंगे तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए, जैसे किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति दूर है तो, सॉरी पास है तो ये, यह, वे,
वह, ये आपको निश्चयवाचक में भी मिलेंगे, वहाँ और यहाँ दोनों होते हैं, बट दोनों को ऑप्शन में साथ नहीं देता, फिर भी 1% साथ देता है, तो उसका भी समाधान है, क्वेश्चन करा के दिखाऊंगी आपको। ये, यह, वे, वह, उन्हें, उन्होंने, उसका, उसके, ठीक है, आदि, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक स्वरनाम में जाते हैं। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सीधे सीधे उदाहरण ले लो, जैसे कि मैं कहूँ कि हम सब हिंदी पढ़ रहे हैं, हम सब हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, कौन सा है यहाँ पर स्वरनाम का भेद? उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि हमने कहाँ से पहचाना है? हमसे। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके देता है, ज़्यादातर स्वरनाम के क्वेश्चन जो होते हैं अंडरलाइन के साथ होते हैं, फिर भी 1% ना दे तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, उसके बाद मुझे अभी दिल्ली जाना है, अभी नहीं जाना मैडम, अभी तो हमारी क्लास चल रही है, मुझे अभी दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली नहीं जाना, मुझे पेस में रहना है, दिल्ली जाना है। अब कहाँ से पता चला है मुझे ये उत्तम पुरुषवाचक है, यानी कि मैं कह रही हूँ, मुझे अब किसी और के बारे में कह के मैं ये थोड़ा ना कहूँगी कि मुझे दिल्ली जाना, किसी और की तरफ इशारा करके, अपने बारे में ही कोई बोलने वाला जब कुछ बताता है तो इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, और ये सारे शब्द किस में चले जाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक में। किस में चले जाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक में। अब नेक्स्ट मध्यम पुरुषवाचक में आ जाइए आप उदाहरण के साथ। चलें, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मध्यम पुरुषवाचक में। तुम सभी हिंदी कक्षा में आना। अच्छा, एक बात बताओ मुझे आप, परसों जब दीवान सर ने, भाई दीवान सर से फिर याद आ गया मुझे, किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, किताब पक्का लेनी है। अब कल परसों जब दीवान सर ने एक कम्युनिटी पोस्ट जारी की थी कि आपको हिंदी सीमा नरवाल मैम पढ़ाएंगी, तैयार रहना, आपके लिए कौन सा शब्द यूज किया है? आप, किसी का नाम लिखा है क्या? नहीं, इसीलिए आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं लिख रही हूँ, आप सभी कक्षा में आना, कक्षा में आना, तो कौन सी आप से आपने लगा लिया, कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम। तुम सभी तैयार रहना, सर बहुत लगाते हैं कि मैं आपकी क्लास लाए, तुम कौन कौन लिंक शेयर करोगे, तुम सभी के तुम्हारे लिए इस्तेमाल हुआ है, तुम सभी कक्षा में आना, ठीक है। चलें, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, क्या को अंडरलाइन नहीं करेगा, तुम को अंडरलाइन करेगा, तो ही आपको आंसर मध्यम पुरुषवाचक देना है। अगर वो क्या को करता है तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ पे, इंटरोगेटिव होने पर कहीं और भी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, यह और वह, ये और वे, देखिए मैं एक एग्जांपल इधर लिख रही हूँ, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा आएगा, लेकिन इसको निश्चयवाचक स्वरनाम के साथ मैं ज़रूर कराऊँगी। मैंने कहा कि ये, यह, वे, वह, मैं लिखूँ ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अब मैं ये को अंडरलाइन करूं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा होकर के तो पूछ रहा है ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, दीवारों से तो नहीं पूछ रहा होगा कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही, वक्ता और श्रोता बोल करके जब तीसरे व्यक्ति का प्रसंग बीच में उठाते हैं तो किस में चला जाता है? अन्य पुरुषवाचक स्वरनाम में। चले आगे, उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, अब नेक्स्ट पार्ट आता, हमने किया है पुरुष, फिर दूसरा ट्रिक में चलेंगे निश्चित निश्चयवाचक स्वरनाम। यहाँ आपको पुरुषवाचक और निश्चयवाचक से जोड़ करके क्वेश्चन कई बार दिया जाता है। निश्चयवाचक, पहली पहचान तो इसमें क्या करनी है, निश्चयवाचक स्वरनाम इसमें ना आपको ना बिल्कुल संकेत के साथ बात कहेगा, संकेत करेगा, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें संकेत करता हुआ करने का भाव नजर आए वही होता है निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक स्वरनाम के भी दो पार्ट होते हैं, निश्चयवाचक स्वरनाम के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं।
एक तो होता है निकटवर्ती निश्चयवाचक स्वरलाप। क्या होता है भाई, एचटेट का पेपर है, वैसे तो आप बुक में सीधा पढ़ लेते हो कि निश्चयवाचक स्वरनाम में यह है, ये वह है, वे, बस यही आते हैं। अब कहाँ आते हैं ये, यह है, और कहाँ आते हैं वे, वह, देखते हैं। निकटवर्ती निश्चयवाचक स्वरनाम, और एक होता है दूरवर्ती, कि दूर की चीजों की तरफ इशारा करेगा, दूरवर्ती निश्चयवाचक स्वरनाम। निकटवर्ती निश्चयवाचक स्वरनाम के लिए जो जो स्वरनाम पद आते हैं वे आते हैं या तो यह या यह या ये। बहुवचन होगा तो ये आएंगे, एकवचन होगा तो यह आएगा। उसी तरीके से दूरवर्ती में या तो वह आएगा या वह आएगा। बिल्कुल आपको पुरुषवाचक का ऑप्शन भी साथ ही रख के दिखाऊंगी, आया हुआ क्वेश्चन देखिए। अब मैं कहूँ, इसका उदाहरण ले लेते हैं, यह मेरे हथियार हैं, यह मेरे हथियार हैं, यह मेरे हथियार हैं, यह को अंडरलाइन कर देगा तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा, निकटवर्ती निश्चयवाचक यदि ऑप्शन में है तो ये, और नहीं तो निश्चयवाचक। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, ये पेपर का लो भाई, पेपर का है, ये पुस्तक मेरी है और वे आपकी, और वे आपकी। अब यहां पर जो ये प्रश्न आया है उसमें इसमें अंडरलाइन है, ये पुस्तक मेरी है और वे आपकी। इशारा करके बता रहा है, संकेत आ रहा है कि ये पुस्तक तो मेरी है और वो आपकी है। वे दूर की रखी बता रहा है और ये नज़दीक की रखी बता रहा है, तो किस स्वरनाम का पार्ट है, निश्चयवाचक स्वरनाम। उसके बाद नेक्स्ट, दूर की चीज़ों के लिए एक और देख लीजिएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। दूर में जैसे कि वही वाला एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि वे तुम्हारे पड़ोसी हैं, वे तुम्हारे पड़ोसी हैं, वे तुम्हारे पड़ोसी हैं, वे तुम्हारे पड़ोसी हैं। अब संकेत करके ही दिखा रहा है कि बता रहा है कि वे तुम्हारे पड़ोसी। अब मैडम आपने कहा था कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पर आपका बोलने वाला और सुनने वाले के बीच में चर्चा है उस व्यक्ति को लेकर के, और यहाँ है वे तुम्हारे पड़ोसी, सामने वाले से पूछ रहा, बात तो यहाँ भी वही है। बट ये दोनों ऑप्शन साथ नहीं आएंगे, यानी कि दूरवर्ती निश्चयवाचक या निश्चयवाचक और पुरुषवाचक ऑप्शन में साथ में कम रखता है। फिर भी रखता किस स्थिति में है वो देखिए, वो कब रखता है। दो क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, दो क्वेश्चनों में बड़ा ध्यान देना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन है सिर्फ पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में से ही आंसर देना आपको। वह कक्षा में प्रथम आया है, आया है, इसीलिए पुरस्कृत किया जाएगा, इसीलिए पुरस्कृत किया जाएगा। एक मिनट, यही है क्या क्वेश्चन, इसीलिए पुरस्कृत किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन भी मैं यहां लिख रही हूं, इस साल भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक पेपर में आए हुए हैं, इस साल भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि भाई पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था और अब की बार भी ये क्वेश्चन आया है, दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। ऊपर वाले में भी आपको निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में से ही आंसर बताना है, और नीचे वाले में भी आपको पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में से भी आंसर, पहले मुझे ऊपर वाले का आंसर बताओ। वह कक्षा में प्रथम आया है इसीलिए पुरस्कृत किया जाएगा, वह को अंडरलाइन है। यहां पर क्या है आंसर, वह कक्षा में प्रथम आया है इसीलिए पुरस्कृत किया जाएगा,
पहले वाले का आंसर क्या है? पहले वाले का आंसर क्या है? जल्दी बताओ, आया नहीं आंसर? वह कक्षा में प्रथम आया है इसीलिए पुरस्कृत किया जाएगा। यहां पर आंसर है पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक। क्यों है? क्योंकि संकेत तो यह कर रहा है, दो आपस में बातें कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, वह आया कक्षा में प्रथम इसीलिए पुरस्कृत किया जाएगा। अब इस एग्जांपल पे आ जाओ, इसमें कैसे ये आप मान सकते हो कि ये संकेत कर रहा है? इस साल उसी को, अब मैंने कहा था उसने, उसका, उसके, अन्य पुरुषवाचक में आता है, उसने, उसका, उसके, उन्होंने, उन्हें, किस में आता था? अन्य पुरुषवाचक में। अब इसी वर्ड को अंडरलाइन है, उसी को, अब उसी को ही पुरस्कृत किया जाएगा। अब निश्चित बात है किसी दूसरे को नहीं किया जाएगा, उसी को किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या आंसर देना है? निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपको हो गया कि मैडम इसी इस साल भी उसी को ही, ये तो एक बल दे रहा है, ये होता है निपात। अब इसके ऑप्शन में निपात भी नहीं रखेगा वो, क्योंकि जब वो निपात वो शब्द होते हैं वाक्य के अंदर जो फोकस करते हैं किसी एक काम पर, यानी कि यहाँ भी वही बात हो रही है कि साल भी उसी को ही, किसी दूसरे को नहीं, इसीलिए आपके साथ इस ऑप्शन के साथ निपात नहीं रख सकता है। अलग से क्वेश्चन निपात का एच स्टेट में आता है। चले भाई, ऐसी स्थिति में आपको क्या बताना है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऐसी स्थिति में क्या बता देना है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी मेरा कहने का मतलब है कि निश्चित ही संकेत हो रहा हो तो निश्चयवाचक में चला जाएगा। और यदि मान लीजिए 1% दिख रहा हो आपको, दो ऑप्शन पैरेलल से दिख रहे हो, तो निश्चित संकेत की बात नहीं कर रहा तो आपको पुरुषवाचक करना। बाकी पुरुषवाचक और निश्चयवाचक ऐसी कंडीशन में दोनों ऑप्शन में नहीं रखता है, क्योंकि कुछ सर्वनाम पद उसमें भी होते हैं और कुछ इसमें भी होते हैं। चले आगे, नेक्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी दो पार्ट होते हैं, ध्यान देना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्राणी बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है आपका वस्तु बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्राणी बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि किसी प्राणी की अनिश्चित जानकारी देने वाले शब्द अनिश्चयवाचक, प्राणी बोधक अनिश्चयवाचक, और किसी वस्तु की जानकारी वस्तु बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भाई एचटेट का भी पेपर है, बाकी एचएसएससी वाले पे बच्चों को भी ऐसे ही तैयार करना चाहिए। प्राणी बोधक के लिए यदि किसी प्राणी की जानकारी लेता है, देता है शब्द, तो आपको शब्द नजर आएगा सर्वनाम पद कोई, और वस्तु के बारे में बताता है तो कुछ, वस्तु के बारे में बताता है तो कुछ। अब उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे कोई आ गया तो, कोई आ गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे मैडम, पढ़ते रहेंगे। कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई आ गया तो क्या करोगे? अब यहाँ पर पीछे इंटरोगेटिव देख के प्रश्नवाचक मत कर देना। क्यों नहीं करना है प्रश्नवाचक? क्योंकि प्रश्नवाचक में सर्वनाम पद अलग होंगे आपके। यहाँ पर क्या है? कोई, ये कोई शब्द प्राणी के बारे में बता रहा कि कोई प्राणी आ गया। अब आप कहोगे मैडम कुत्ता आ गया तो समझदार हो क्या है? कोई आ गया तो क्या करोगे? तो कोई शब्द प्राणी बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर सीधा आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन में मिलेगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद कोई एग्जांपल और उठा था, चलो एक याद आ गया, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। गाना सुनाऊं? नहीं सुनाऊंगी। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, अब दीवारें नहीं सुनेंगी, ध्यान रखना कोई ना कोई प्राणी ही सुनेगा, सुन ना ले। मैडम बड़े तीखे एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल मत रटा करो, बुक से मत रटा करो, आप अपनी लाइफ से लिया करो एग्जाम्पल, ज़्यादा क्लियर होगा आपका। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। चलें, अब यहाँ पर दीवारें नहीं सुन रही, आप कहोगे मैडम दीवारों के भी कान होते, वो बात अलग है, वो विरोधाभास है। चलें आगे,
नेक्स्ट उधर आ जाइए, मैं अब ध्यान रखना भाई लास्ट एंड फाइनल, अनिश्चित जानकारी देने के लिए किसी प्राणी की दे रहा है तो सर्वनाम पद कौन सा होगा? कोई। कौन सा होगा? कोई। चारों ऑप्शन ही अनिश्चित जानकारी देंगे आपको, लेकिन आपको कोई या कुछ के माध्यम से जो जानकारी दे रहा है उसी को ठीक करना है, ठीक है, क्योंकि ये रूल है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि कुछ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। कुछ इस्तेमाल हो रहा है हमारा वस्तु के लिए, जैसे कि आप कई बार बोलते हो कि पता नहीं दाल में क्या गिर गया, कुछ काला काला। क्या बोलते हो? दाल में कुछ काला है। वो चीज़ अलग है, वो है एक संदेह पर्द वाक्य है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए दाल में कोई भी छोटा मोटा टुकड़ा किसी चीज़ का गिर रहा है तो वो भी एक वस्तु में ही काउंट है। आपको हो गया कि मैडम मच्छर गिर गया, तो मच्छर दाल में गिरने के बाद पैर ऊपर कर जाएगा, पार्थिव शरीर किस में बदल जाएगा, ठीक है, वस्तु में ही। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, कुछ उसने कुछ सेब खरीदे। अब सेब क्या है? वस्तु। सेब किस में काउंट होगी? वस्तु में। उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया। अब खाने में तो खाने योग्य व्यंजन है, क्या पता भाई क्या खाया हो। अब ध्यान समझ सकते हो कि क्या नहीं खाया होगा, ठीक है। अब ये भी खाया होगा तो जब खाने योग्य व्यंजन बन गया तो किस में काउंट हो जाएगा? वो मेनू में चला जाएगा, वस्तु में आ जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए, पुरुष निश्चित अनिश्चित। नेक्स्ट संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में दूसरे संज्ञा शब्दों के साथ वाक्य में संबंध बिठाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संबंध बिठाने वाले शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इसके पार्ट नहीं होंगे, जैसे कि मैं बात कर लेती हूं, जो सोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, यानी कि जो और, जो सोएगा वो खोएगा, जो और वो, इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ क्या बैठा रहे हैं? पूरे वाक्य का संबंध बैठा रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, आगे काम आएंगे ये एग्जांपल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप संबंधवाचक वाक्य में चलोगे तब, संबंधवाचक अविकारी में जाओगे तब यही एग्जाम्पल है सामने। इसीलिए तो फिर कहती हूँ सिलेबस क्यों कटा है, यूं ही कटा है। जब आप संबंधवाचक अविकारी शब्दों में, समुच्चय बोधक अविकारी शब्दों में बहुत सारे एग्जाम्पल पीछे से ही आ जाते हैं, इसलिए आपका 15 नंबर का रिड्यूस कर दिया गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि मेहनत करोगे, यदि मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, ठीक है। इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे संबंध बिठाने के लिए, यदि तो, जिसकी उसकी, जो वो, जैसा तैसा, ये किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट, संबंध में प्रश्न अपने आप से करता है प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको एक मोटी पहचान तो ये रखनी है, लेकिन फेल कर देगा कि सभी वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह इंटरोगेटिव साइन देगा तो ही वो प्रश्नवाचक होगा, लेकिन वो तो सब में देगा। क्या करेगा? सब में देगा। इसके दो पार्ट होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के भी दो हिस्से होते हैं। यदि आप किसी प्राणी के बारे में प्रश्न कर रहे हो, यानी कि प्राणी बोधक, प्राणी बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक होता है वस्तु बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्राणी बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम, वस्तु बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्राणी बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम में जगह अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, सॉरी, किसी भी प्राणी के बारे में यदि प्रश्न कर रहे हो, या तो आप कौन शब्द जोड़ोगे, या आप किससे
शब्द जोड़ोगे, ज़्यादातर आप कौन ही जोड़ते हो। उसके बाद यदि वस्तु के बारे में क्वेश्चन करना है तो आपको शब्द जोड़ना है क्या, क्या जोड़ना है क्या। अब और पीछे क्या होगा, इंटरोगेटिव साइन। जैसे कि मैं कहूँ दरवाजे पर कौन आया है, दरवाजे पर कौन आया है, या फिर दरवाजे पर कौन खड़ा है, पीछे क्या होगा, इंटरोगेटिव। अब इस कौन को अंडरलाइन कर दें तो कौन सा है सर्वनाम का पार्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन सा पार्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद अभी आप किससे बातें कर रहे हो, चैट्स में बताओ, अभी आप एक मिनट भाई गर्म पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। यही अभी आप किससे बातें कर रही हो, अभी आप किससे बातें कर रही हो, किस से बातें कर रहे हो, बातें कर रहे हो, बताओ किससे कर रहे हो आप बातें, चैट्स में बता सकते हो किससे कर रहे हो। चलें, देखिए दरवाजे पर कौन खड़ा है, अभी आप किससे बातें कर रहे हो, ये जब किससे आया है, ये कौन आया है, यानी कि किसी की प्राणी की बात हो रही है, प्राणी के संबंध में क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आपको कौन या फिर किससे, ठीक है, आपसे, बिल्कुल। चले भाई यहाँ पर कौन सा उदाहरण हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का। और अगर आपको प्रश्नवाचक ही ना दे तो वस्तु बोधक प्रश्नवाचक नहीं, प्राणी के बारे में बात हो रही है, प्राणी बोधक प्रश्नवाचक। चले आगे नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, अब वस्तु बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर बड़े ध्यान से देना है, सब में ही आपको इंटरोगेटिव लगा करके दूंगी। 2 से 3 दिन में आपको मैं एक हिंदी का एचसेट के पेपर से पहले ही पेस ऑनलाइन क्लासेज पर एक हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास लेके आ रही हूँ कि कैसे आपको हिंदी के क्वेश्चन, या तो हम एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने पीछे संज्ञा पढ़ा है तो आराम से आप अगले टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर निकाल रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपके 15-20-30 क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑप्शनों पे आपको मैं एक दो ऑप्शन पे काम करके, जैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पर्याय वाची समसूर्त बिनार्थक शब्द, ये चीज़ें कैसे सर्च की जाएँ, कैसे ऑप्शन को ठीक किया जाए, उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी 2 से 3 दिन, कोशिश क्या करूँगी 2 से 3 दिन में आपको एक क्लास में क्वेश्चन आंसरों वाली प्रोवाइड करा रही हूँ। पेस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और खास बात आपको बताने वाली हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिएगा जब तक आप लिंक शेयर कर दो, वो आपके लिए स्पेशल है। प्राणी बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम वस्तु बोधक। अब वस्तु बोधक में मैंने कहा कि क्या वाली चीज़ें आएंगी, मैं आप अब यहाँ बताओ कि आपने आज क्या खाया है, आपको मैं आदर दे रही हूँ, आपने क्या खाया, क्वेश्चन किया है, जो जो खाया है चैट्स में लिख दो, क्या खाया, क्या कोई वस्तु ही खाई होगी, क्या खाई होगी, कोई वस्तु ही खाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, दूध में क्या गिर गया, वही बात आ गई भाई, दूध में क्या गिर गया, कि कोई ने कोई टुकड़ा गिरा होगा, क्या गिरा, गिर गया, पीछे इंटरोगेटिव, पीछे इंटरोगेटिव। अब कोई ने कोई वस्तु ही गिरी होगी, कोई ने कोई टुकड़ा ही गिरा होगा, कुछ ना कुछ वस्तु ही खाई होगी, रोटी खाई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखना कि वस्तु के बारे में संदर्भ में यदि क्वेश्चन कर रहा है तो WH फैमिली में से आपको क्या वाला ऑप्शन मिले तो ही ठीक करना है, ठीक है, मिलेंगे आपको सारे। और यहाँ क्या है, कौन, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए,
प्रश्न अपने आप से करता है। निजवाचक क्या वह राम है? प्राणी बोधक क्या वह राम है? ये ऐसे तो आपको दे सकता है कि क्या वह राम है, सामने राम, आप खुद गलत मत लिखो, ऐसे ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, रोंग है। चले जब वो राम है तो ही सामने से आप राम पूछ रहे, क्या वह राम है, ऐसे किसी से किससे पूछ रहे हो, क्या उसका नाम राम है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में एक पहचान है कि ऐसे शब्द जिनके अंदर या तो खुद वर्ड लिखा हो या फिर स्वयं लिखा हो या फिर स्वतः लिखा हो, ठीक है, या फिर स्वयं स्वयं हो गया है, खुद निज स्वयं स्वतः ये वर्ड अपने आप लिखा हो, ठीक है, अपने आप लिखा हो, तो इस तरीके के वाक्य किस में चले जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम में। लेकिन वो सब में लिख के देगा, और मान लीजिए तीन ऑप्शन या एक ऑप्शन ऐसा दे उससे पहले पुरुषवाचक दे, तो आपको ज़्यादा प्राथमिकता उसको देनी है, उसके बाद ये शब्द, पहले पुरुषवाचक उसके बाद ये शब्द, तो ही आपको निजवाचक में जाना है। अगर वो देता ही नहीं है किसी में तो ठीक है, कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल वैसा भी दूंगी, जैसे मैंने कहा कि मैं स्वयं ही चली जाऊंगी, स्वयं ही चली जाऊंगी, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। अब देखो मैं यहाँ पर क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, स्वयं यहाँ पर वही शब्द आ गया, तो ये क्या बन गया, निजवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से तुम अपना कार्य स्वयं करो, तुम अपना कार्य स्वयं करो, यहां पर तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर वाक्य में क्या आ गया, स्वयं आ गया। अब कुछ एक एग्जांपल ऐसा, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, अब ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको मान लीजिए कि तीन ऑप्शन के अंदर ये ऐसे दे दे कि स्वयं कार्य करो, स्वतः अनुशासन बनाए रखो, अपने आप स्थिति संभालो, और एक ऑप्शन में लिख दे स्वयं मैं तुम अपना कार्य स्वयं करो, तो आपने ऐसी सिचुएशन में जहाँ पुरुषवाचक के बाद ये वर्ड आए हैं उस तथ्य को देखना है, अदरवाइज ये है नहीं, तो आपको ऐसे एग्जांपल पे चला जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि निजवाचक सर्वनाम तभी पूर्णतः बनता जब उससे पहले पुरुषवाचक की बात हो रही हो, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, अपने आप। चलें भाई, अब अपने आप प्रथम पुरुष बता रहा होगा अपने बारे में, तो वो अपने सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करेगा कि मैं स्वयं तुम्हें हिंदी पढ़ा रही हूँ, तुम अपने बारे में कि तुम अपने बारे में बताओ, तो प्रथम पुरुष तुम भी हो सकते हो, कि प्रथम पुरुष मध्यम बन सकता, मध्यम प्रथम बन सकता, लेकिन अन्य पुरुष इंग्लिश में भी पढ़ते हो आप, फर्स्ट पर्सन चेंज इन सेकंड, सेकंड पर्सन चेंज इन फर्स्ट पर्सन, बट थर्ड पर्सन इज नो चेंज। जब आप खुद बोलोगे तो आप वक्ता बन जाओगे, मैं श्रोता बन जाऊंगी, ठीक है। आगे देखिए भाई, ये तो था आपका सर्वनाम का टॉपिक। अब कुछ क्वेश्चन है, एक पर्सन दे रही हूँ मैं आपको, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इमोशनल बच्चा, अभी नहीं जाना, अभी क्लास है, ठीक है, इमोशनल बच्चा भी बहुत जुड़ता है क्लासेज में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, अब एक प्रश्न है आपसे, अभी अभी मैंने एक प्रश्नवाचक सर्वनाम करवाया है आपको, प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, जैसे कि कोई आ गया, तो ऑप्शन नंबर एक है, कोई आ गया, आ गया तो क्या करोगे, क्या करोगे। नेक्स्ट, कुछ सेब रखे हैं, क्वेश्चन इंटरोगेटिव है पीछे। नेक्स्ट, गाड़ी में कोई है, गाड़ी में कोई है, इंटरोगेटिव है।
उसके बाद नेक्स्ट दुकान में कौन है, दुकान में कौन है, कौन है, यहाँ भी इंटरोगेटिव है। चारों विकल्पों में से मुझे ये बताइए कि किस विकल्प के अंदर पर्सनवाचक स्वरनाम है, पर्सनवाचक स्वरनाम है, जल्दी आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर एक, कोई आ गया तो क्या करोगे, कुछ सेब रखे हैं, गाड़ी में कोई है, कोई है, दुकान में कौन है, आंसर क्या है जल्दी बताओ, बताओ। चले भाई देखो, कोई आ गया तो क्या करोगे, सब सब कुछ सेब रखे हैं, गाड़ी में कोई है, दुकान में कौन है, आंसर क्या होगा, फोर्थ डी, डी दुकान में कौन है, क्या आंसर रहेगा, दुकान में कौन है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है आपको कि प्रश्नवाचक स्वरनाम के बारे में यदि प्राणी बोधक के बारे में आप चर्चा कर रहे हो तो कौन आएगा। अब कोई कहाँ था अनिश्चयवाचक में, कुछ कहाँ था अनिश्चयवाचक स्वरनाम में, कोई कहाँ था अनिश्चयवाचक स्वरनाम में, इसीलिए आप किसी चीज को प्लीज रटना नहीं। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा भाई।